Oh my God. What a view. Chalo. गुड मॉर्निंग फ्रॉम पुरी। अभी हम लोग जा रहे हैं चिल्का के लिए। सब लोग रेडी हो गए, अभी निकलेंगे चिल्का। यहाँ से निकलेंगे ट्रैवल एजेंट के पास, वहाँ से वो लोग गाड़ी करके हमको लेके चले जाएगा बस के पास, जहाँ से हम लोग रवाना देंगे चिल्का के लिए सुबह 7 बजे। तो अगर आप पुरी आ रहे हो और चिल्का ट्रिप करना चाहते हो तो यहाँ पर बहुत सारे आपको ट्रैवल एजेंट मिल जाएगा, जो आपको करीब 200 से 220 रुपये के अंदर चिल्का ट्रिप का टिकट बना के देगा। और वहाँ पे बोटिंग चार्ज क्या लगता है वो पे जाके बता देंगे आप लोगों को। अभी चलिए निकलते हैं चिल्का की तरफ। अभी हम लोग पहुँच गए बस स्टैंड के ऊपर, जहाँ से हमारा बस रवाना होगा चिल्का के लिए। तो अभी वेट कर रहे हैं, सुबह 7 बजे बस छोड़ेगा यहाँ से और चिल्का पहुँचा के साथ 1 से 1.5 घंटा लगेगा। चलिए रास्ते में आपसे मुलाकात होगी। यहाँ पर रुकने का मतलब है नाश्ता वगैरह करना, करके आए तो बहुत अच्छा, नहीं करके आए तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से फिर आधा घंटा से 40 मिनट लगेगा झील पहुँचने में। और वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको रूरल एरिया देखने के लिए मिलेगा, जैसे ये देख लीजिए दोनों तरफ आपको ये गाँव लग रहा है, इतनी बड़ी का काम चल रहा है। फिलहाल आगे ये भी बंद हो जाएगा, रूरल एरिया है। तो वहाँ पर आपको जाना होगा बोटिंग, बोटिंग के बारे में बता देता हूँ। आप लोग आए चिल्का, वो एक झील है, ना कि समुंदर ना कि कोई नदी है। यहाँ पर पहले आपको डॉल्फिन पॉइंट लेकर चलेंगे और डॉल्फिन पॉइंट लेकर जाने के बाद आपको एक सी माउथ टापू में आपको उतारा जाएगा। टापू में आपको सी माउथ, समुंदर, रेड कार्प, ये सारे कुछ देखने के मिलेंगे और वहीं से आपसे वापसी हो। जाते समय आते समय बहुत सारी रंग बिरंगी चिड़िया देखने के मिलेगा। आप यदि उनके लिए कुछ खाना लेकर जाते हैं, जैसे कि पॉपकॉर्न, इतना छोटा छोटा टुकड़ा डालेंगे उतना चिड़िया खाना खा के आपके साथ रहेंगे। घूमते समय लोग अक्सर लेट ही करते हैं, ज़्यादातर कोई आगे आते नहीं है, कोई बात नहीं, 3.5-4 घंटा का प्रोग्राम है, इसीलिए आपको बोटिंग करनी होगी। बिना बोटिंग चिल्का झील में कुछ भी नहीं होगा पानी के अलावा। तो जैसे मैंने बताया आपको, यही रहेगी चिल्का झील का प्रोग्राम। अच्छा, ये सबसे रहेगा, हमारा काम है सही जानकारी देना, बाकी आपके ऊपर मर्जी। सबसे अच्छा होगा 14 वाली बोट, 14-15 लोग आराम से जा सकते हैं, बड़ी बोट रहेगी, ऊपर छावनी रहेगी, आराम से जा सकते हैं। ओके, गाड़ियाँ रुकेगी जैसे मैंने बोला 15 से 20 मिनट। आप लोग नाश्ता करके आए हैं, बहुत अच्छा, यही करके आए, कर लीजिए। पानी का बोतल, चीज़, बिस्कुट जो भी पकड़ना है पकड़ लीजिए। गाड़ी छोड़े करीब 15 से 45 मिनट बाद हम लोग को एक ढाबा में उतारा गया है। खाना वाना खाएंगे, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। चले वो कुछ खा लेते हैं, क्या मिलता है देखते हैं। तो अंदर ए सी चल रहा था, बाहर निकल गया ऐसे यार तपाक से। हाँ, इडली 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 मिल जाएगा। इडली कितने रुपये प्लेट? प्लेट में 4 इडली रहेगा। हाँ, कितने रुपये प्लेट? 40 रुपये प्लेट। अंदर दो इडली दो बढ़ा दे दीजिए। दो गज इडली दो गज बड़ा, 4 जगह पे दे दीजिए। हाँ, 4 जगह। दो इडली दो बड़ा खा लेते, अभी बाद में खाना वाना नहीं मिलेगा वहाँ पे जाकर कुछ। हाँ, खाना आ गया, अभी खाना खाते हैं, देखते हैं कैसा है टेस्ट।
गाइस वेलकम टू चिल्का लेक। बचपन में जो पढ़ा था किताबों में चिल्का लेक अब फाइनली उसके सामने है। और थोड़ी देर बाद बोटिंग का मज़ा भी लेंगे। लाइफ जैकेट ले लिया, टिकट हो गया 200-320 रुपया पर पर्सन के हिसाब से लगा हम लोगों का। पीछे देख सकते हो आप चिल्का लेक। फिर अंदर चलते हैं, बोटिंग करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। কেমন লাগছে বল? পাম্পার পাম্পার নাইস এক্সপিরিয়েন্স। কবে গই? ভাই কেসা লাগ রহা তে রেকো? আচ্ছা লাগ রহা হ্যায়, বহুত বাড়িয়া। বচপন মে পড়া থা কিতাব মে, পড়া থা। আজ প্র্যাকটিক্যাল মে আয়ে। চলো 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 চলো। বেসিক্যালি আমি তিন বোটিং পয়েন্ট হ্যায়, এক হ্যায় সাতপাড়া মে, আর এক হ্যায় আর শায়দ কহীন পে আর এক হ্যায়, মুঝে পতা নাহি হ্যায়। हम लोग यहाँ से बोटिंग करें। और डॉल्फिन के बारे में बताऊँ तो अगर नसीब में होएगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सीगल तो बहुत सारे मिलेंगे। जो हमारे गाइड है वो बोल रहे थे कि खाना लेने के लिए कुछ, हम लोगों ने ले लिया कुछ खाना। देखेंगे आएगा, खिलाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। अब चलिए बोट के ऊपर। हम है दिलसन परिवार, हमारा बस का नाम है दिलसन। आवाज़ नहीं आ रही होगी आप लोगों को, मेरे को मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे स्पीकर को खाना दिया जाता है, स्पीकर को पता भी है उनको खाना दिया जाता है, इसलिए पीछे पीछे बोट चलना शुरू हुआ नहीं कि लोग पीछे पीछे लग गए। बीच में अभी एक थोड़ी देर आइलैंड में रुका है थोड़ी देर के लिए, लाल केकड़ा दिखाने के लिए। सब लोग देख रहे हैं, हम भी देखे, पहले देखा है। चलो सब लोग यहाँ से निकल गए। थोड़ी अभी 3.5 घंटा बोटिंग के बाद हम लोग पहुँचे हैं सी माउथ पर। फिर आपको जाकर दिखाते हैं नज़ारे। चलिए थोड़ा आगे चल के 100-150 मीटर जाने के बाद ही मिल जाएगा हमको सी माउथ, तो जो समुंदर दिखेगा यहाँ से। चलिए यहाँ के नज़ारे तो बेहद खूबसूरत है। अगर आप नहीं आए हो कभी पूरी या फिर चिल्का, अगर आप आने का सोच रहे हो इस तरफ तो यहाँ पे आना तो मस्ट है। चिल्का आइए, 3.5 से 4 घंटा बोटिंग कीजिए और इस तरीके का नज़ारे का दिल खोल कर स्वागत कीजिए। ओह ऑसम ऑसम, क्या व्यू है भाई, एक बार देख लो आप।
व्यू देख लो बस। गर्मी बहुत तेज है भाई, गर्मी बहुत तेज है। ओ माय गॉड, व्हाट अ व्यू। मतलब इस जगह का सीनिक ब्यूटी का तो कोई जवाब ही नहीं है। आप एक बार आओ तो बार बार आने का मन चाहेगा। जगह देख लो बस एक बार, आसपास कोई नहीं है, पूरा खाली बीच, बहुत कम लोग है। थोड़ा प्यार खो लेते हैं। समुंदर के बीचों बीच एक ऐसा बीच जहाँ पे हम चारों के अलावा कोई नहीं है। देखो एक बार, बस हम चार। और व्यू तो ऑसम है, नेक्स्ट लेवल का व्यू है। अगर नहीं आता यहाँ पे तो बहुत बड़ा मिस करता चीज़। कल तक डाउट में था कि चिल्का करूँ कि नहीं करूँ, चिल्का करूँ कि नहीं करूँ। रात को डिसीजन हुआ कि करेंगे, जाएंगे और आए, पूरा पैसा वापस भाई। जितना खर्चा लगा अभी तक इस ट्रिप का वापस हो गया। ये जो नज़ारे हैं, किसी को भी भा सकता है, किसी को भी भा सकता है। तो भाई हो गया ख़त्म ट्रिप, चिल्का ट्रिप को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, स्टे ट्यून्ड।